इन फैसलों से फासला बढ़। लेकिन संस्थाएं अगर अवरोधक बनती है तो बहुत कष्ट होगा, जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम जो रोक का आदेश है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, इसको मैं उन फैसलों की लिस्ट में रखना चाहूंगा जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। इन फैसलों से फासला बढ़ता है। फासला किस चीज से? देश को एक समावेशी मॉडल की जरूरत है, बिहार को उससे ज्यादा जरूरत है। इसलिए समस्त विधानमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उप मुख्यमंत्री जी, सबने ये अख्तियार किया कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आखिर फिर विकास किस बात, किस चीज का नाम है? हमें पता है कि एक दल को आज बड़ी खुशी हो रही है कि उसने रोक लगा दिया। हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय की बात जब जब होती है, अवरोधक कई होते हैं, कभी दफा व्यक्ति कोई होता है, कोई दल होते हैं, लेकिन संस्थाएं अगर अवरोधक बनती है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि संस्थाओं से बड़ी उम्मीद है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि व्यापक न्याय के लिए व्यापक समाज के नजरिए की आवश्यकता होती है, उसका मैं अभाव देख रहा हूं और ये चिंता का विषय है। देखिए, आज पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम जो रोक का आदेश है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, इसको मैं उन फैसलों की लिस्ट में रखना चाहूंगा जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। इन फैसलों से फासला बढ़ता है। फासला किस चीज से? देश को एक समावेशी मॉडल की जरूरत है, बिहार को उससे ज्यादा जरूरत है। इसलिए समस्त विधानमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उप मुख्यमंत्री जी, सबने ये अख्तियार किया कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे। आखिर फिर विकास किस बात, किस चीज का नाम है? हमें पता है कि एक दल को आज बड़ी खुशी हो रही है कि उसने रोक लगा दिया। हमारा मानना है कि सामाजिक न्याय की बात जब जब होती है, अवरोधक कई होते हैं, कभी दफा व्यक्ति कोई होता है, कोई दल होते हैं, लेकिन संस्थाएं अगर अवरोधक बनती है तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि संस्थाओं से बड़ी उम्मीद है। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि व्यापक न्याय के लिए व्यापक समाज के नजरिए की आवश्यकता होती है, उसका मैं अभाव देख रहा हूं और ये चिंता का विषय है।